स्क्रीन पर नजर आ रहा ये खौफनाक नजारा अंबाला शहर का है, जहां दिवाली की रात भारी आतिशबाजी ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ जलकर राख हो गया। आगजनी की पहली घटना शहर के सेना नगर इलाके में हुई, जहां एक 3 मंजिला इमारत में स्थित क्रॉकरी का शोरूम पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को इस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था। 10 मिनट पे हमारे पास मैसेज आया था जी, हमने जो है ना एक गाड़ी पहले ही बलदेव नगर पुल के नीचे खड़ी कर रखी थी प्रिकॉशन के लिए, तो वो गाड़ी आई यहाँ पर, आग ज़्यादा थी जी। 2 गाड़ी हमने और बाद में भेजी है अपने स्टेशन से, और एक गाड़ी अंबाड़ा कैंट से मंगवाई थी जी। तो आग ज़्यादा थी, प्लास्टिक जो है ना जी जलता है ज़्यादा, और पानी से धीरे धीरे ठंडा होके ही काबू आता है। कितनी गाड़ियाँ मौके पर बुलाई गई? लगभग 9 टेंडर लग रहे हैं जी हमारे। और कितने समय में गाड़ी आग पर काबू पाया गया? गाड़ी देख लो जी, 10:10 पे लगी थी, अभी 1:47 हो गए जी। अभी जो है ना मेरे पास मैसेज 5-7 मिनट पहले पता चला था, 1:40 हो गए, 3 से 4 घंटे लग गए जी। अब क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? अभी मैं जो है ना अंदर जाके देखता हूँ जी, जो है सर्च करेंगे अभी। आगजनी की दूसरी घटना शहर के जगाधारी गेट के नजदीक बनी पार्किंग की है, जहां देर रात आतिशबाजी के कारण पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते इसने अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया जा रहा, तब तक 4 गाड़ियां व एक ऑटो पूरी तरह से जल गए, जबकि 3 अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गाड़ी टोटली लॉस हो गई है। 12:30 पे पार्किंग के ओनर का हमारे पास फोन आता है कि भैया आपकी गाड़ी बिल्कुल जल चुकी है, बट लेकिन हम जब यहाँ पे बोलते हैं 12:32 पे, तो आकर देखते हैं गाड़ी फुल टोटली डैमेज हो चुकी है। क्या कारण बताया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि पटाखे का मतलब कारण हो सकता है। तो आप अपनी गाड़ी पार्क करते थे? हाँ जी, हम ये खड़ी है हमारी, 2.5 महीने हुए अभी गाड़ी को, वेन्यू ब्लैक कलर की, 2.5 महीने हुए अभी गाड़ी को। तो प्रशासन द्वारा मदद दी गई? प्रशासन ने भी अभी नोट किया है, प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है। तो फायर ब्रिगेड समय पे पहुंची थी? फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट हुआ है, वो कह रहे हैं कि फोन नहीं उठाया, या सेना नगर आग लगी हुई थी तो इस कारण नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड। तो कुछ रीजन बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 5 जगह हादसा हुआ, तो वो ये रीजन दे रहे हैं हमें कि 5 जगह पर 12:40-42 पे फायर ब्रिगेड आई। कोई सीसीटीवी फुटेज के आया है? ओनर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, सीसीटीवी ठीक। वही इस भीषण घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी जी कि आतिशबाजी से ना यहाँ पे रामबाग में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गया जी। सूचना मिलते ही हमने फायर ब्रिगेड पे फोन किया, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मौके पे आई हैं, जिसमें आग की वजह से 4 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई है, 1 ऑटो है जी। वो 4 गाड़ियाँ तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, ऑटो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, और 3 गाड़ियों को सर हल्का नुकसान है, उनके आगे बम्पर वगैरह पे और हेडलाइट वगैरह पे नुकसान है सर। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है? फुटेज सर खंगाली जा रही है जी। चलो ठीक, जैसे भी कारणों को पता लगेगा उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल आगजनी की इन भीषण घटनाओं ने अंबाला वासियों की दिवाली फीकी कर दी। निश्चित तौर पर इसके पीछे लापरवाही से की जाने वाली आतिशबाजी है, जो दिवाली के मौके पर शहरों में आम है। उम्मीद है ऐसी घटनाओं से सबक जरूर लिया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।